हेलो फ्रेंड्स, आई एम सृष्टि। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू रैप। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये एक डिफरेंट रेसिपी है, तो ये आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आलू रैप बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। आलू रैप बनाने के लिए हमें चाहिए 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा पानी, 1 कटोरी मैदा, थोड़ा सा ऑयल, 1/2 चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/3 कटोरी बॉयल की हुई मटर और 4 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने इस तरह से बीच में से कट करके बॉयल किया हुआ है। तो सबसे पहले रैप बनाने के लिए हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हम 1 कटोरी मैदा लेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें कि इस बैटर में आप लम्स ना पड़ने दें। इस तरह आप प्रेस कर करके, अगर लम्स पड़ती है तो उसे इस तरह प्रेस कर करके हटा दें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर अब तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। तो हमारा ये बैटर अब तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देते हैं। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे जीरा और साथ में डालेंगे ये लहसुन। इन्हें हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। जैसे ही ये हल्का सा भुन जाए, हम इसमें डालेंगे ये बारीक चौकी हुई एक प्याज और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम उसमें डालेंगे ये बॉयल की हुई मटर और साथ में डालेंगे ये अदरक का पेस्ट। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। मटर को 1 मिनट पकाने के बाद हम इन्हें थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह। अब हम इसमें डालेंगे अपने बॉयल किए हुए आलू। आलू को हम इस तरह से प्रेस करके डालेंगे। इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम डालेंगे अपने मसाले, थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। ये हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इन आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैशर लेंगे और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। इस सारे प्रोसेस में मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। मैश करने के बाद हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारी ये स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम अपने रैप तैयार कर लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। रैप बनाने के लिए हम तवे को बिल्कुल हल्का सा गर्म करेंगे और इसके ऊपर ज़रा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से हम चारों तरफ फैला देंगे और इस टिश्यू पेपर से इसे हम अच्छे से साफ कर देंगे। अब हम डालेंगे ये बैटर इस तरह से और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे और इसके चारों तरफ हल्का सा ऑयल डाल लेंगे और थोड़ा सा बीच में भी। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि ये हमारा जले ना। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि ये तवे से अलग होने लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा नीचे से सिक चुका है। एक बार हम ऐसे चेक कर लेंगे तो ये नीचे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे, इसे हम थोड़ा सा नीचे से भी पका लेंगे। तो ये नीचे से भी हल्का सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर ये 5 रैप बने हैं, इन्हें मैंने थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। अब हम इनके अंदर स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसके यहाँ बीच में रखेंगे और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से पलट करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे। तो मैंने इनके अंदर अब स्टफिंग कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक पैन में थोड़े से ऑयल को गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर इन्हें शैलो फ्राई करने वाली हूँ। तो अब हम इन रैप को इस तरह से इस ऑयल में रखेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इन्हें दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें अब हम नीचे से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो हमारे ये रैप अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी को भी बना लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारे ये क्रिस्पी आलू रैप अब बन करके तैयार हैं। इन्हें बनाएं और अपनी पसंद की किसी भी सॉस या मेयोनीज के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।